आचमन मंत्र से, तीन आचमन मंत्र से हम जल को पी जाएंगे, कंठ को सिंचन कर लेंगे, भिंगा लेंगे परमात्मा का ध्यान करते हुए। जब हम स्वाहा कहें तो सब कोई स्वाहा बोलेगा और जल को पी जाना है। ओम अमृतो पस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यमेता श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथों को थोड़ा पीछे करके साइड में और रगड़ करके और शुद्ध कर लिए मन से। हम ही लोग अशुद्ध भी करते हैं और हम ही लोग शुद्ध भी कर लेते हैं विचारों के द्वारा, भावों के द्वारा। अब आप बाएं हथेली को ना सीधा कर लीजिए ऐसे ध्यान मुद्रा में, और दाहिने हाथ का अंगूठा और नंगली और कनिष्ठ तीनों मिला करके और बाकी बीच की दो उंगली को सीधा रखिए ऐसे। और हम मंत्र बोलेंगे तो ये दोनों उंगली को बाएं हथेली पर इसे छूना है और इसे अंग पर छूना है। जब आंख मैं बोलूं तो आंख के दाहिने तरफ बाएं तरफ, नासिका को बोलूं तो दाहिने बाएं की तरफ बोलना है। जिन अंगों का नाम लेंगे तो पहले दाहिने छुएंगे और फिर बाएं की तरफ छुएंगे। ओम वांग में आए अस्तु, मुख के दाहिने तरफ और बाएं तरफ छुई ऐसे ना, ऐसे मुख को जब स्पर्श करते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मेरे वाणी में इतना उज तेज हो, मेरे वाणी में इतनी मधुरता हो, इतनी कोमलता हो कि इस वाणी के द्वारा दूसरों के कष्ट को भी हम हरण कर लें, दूसरों के क्रोध को भी हम समन कर लें और मुख से कभी कोई अपशब्द ना निकले। इसलिए वाणी को ब्रह्म गवि कहा गया है, यानी ब्रह्मा की कन्या। जैसे हम अपने बहु बहन बेटियों को पर्दा में रखते हैं, हिफाजत करके रखते हैं, उसी प्रकार वाणी से भी हमें ऐसा कोई अपशब्द या कोई ऐसा गाली गलौज नहीं देना है जिससे वाणी की गरिमा खराब हो सके और मुख में कभी किसी को घाव ना हो, होठों में, दांतों में, मसूड़ों में, कंठ में, जिह्वा में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ऐसे हम कामना करते हैं। ओम नसोर में प्राण वस्तु, अब प्राण के दाहिने तरफ यानी नासिका के दाएं और बाएं तरफ ये परमात्मा नाक में कोई बीमारी ना हो, साइनस से लेकर के और नाक से जो सूंघते हैं ना, सूंघने की शक्ति भी बनी रहे। ओम अक्षरण में चक्षुर अस्तु, नेत्र के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा आंखों में कोई बीमारी ना हो, ना इसमें मोतियाबिंद हो, ना इसमें कभी चश्मा लगे, ना कभी हम इस रोशनी के कम कर सके और आंखों से जिन माँ बहन बहु बहन बेटियों को देखे तो ऐसा लगे कि वो मेरी बहन और मेरी ही माँ वो दिखाई पड़ रही है। ओम कर्ण ओर में श्रोतम अस्तु, कान के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा कान में कोई इसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो, कान के पर्दे में कभी छेद ना हो और कान से जो हम सुनते हैं वो हमेशा सुनने की शक्ति बरकरार रहे। और यदि हमें कोई अपशब्द भी बोल रहा है, कोई हमें गाली भी दे रहा है तो ऐसा लगे कि परमात्मा का भजन ही कर रहे हो। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु, कंधा के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा ये भुजाओं में, ये कंधों में, ये हाथों में, हथेलियों में कभी भी कोई बीमारी ना हो और ये हाथ जब उठे तो किसी को संहार करने के लिए नहीं, हाथ उठे तो किसी को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि जब हाथ उठे तो किसी की सेवा, प्रेम, परोपकार और सबके भीतर एक समन्वय का भाव रखने के लिए उठे। और जब हाथ उठे तो कभी किसी मुर्गा को काटने के लिए नहीं, हाथ उठे तो बकरे को काटने के लिए नहीं, हाथ उठे तो मछली को जल से बाहर निकाल के तड़पा के मारने के लिए नहीं। ऐसा भगवान हाथ इसलिए ऐसा नहीं दिया है, हाथ जितना दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की भलाई कर सके उतना ही में हमारे लिए भला है। ओम और में हो जो मस्तु, घुटना के दाएं तरफ और बाएं तरफ हे परमात्मा कभी घुटने में, कभी कमर में कभी दर्द ना हो, कभी लकवा ना लगे और नस नाड़ियों में खून का प्रवाह हमेशा बना रहे। ओम अरिष्टानी मेंगानी तन संत्वा में सह संतु, शरीर के चारों तरफ छिड़क लेते हैं कि जिन अंगों का नाम लिए वो भी महत्वपूर्ण, जिन अंगों का नाम नहीं लिए वो भी हमारे उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे अंगों की शुभकामना के लिए सारे अंगों के अंदर कभी रोग ना हो, कभी व्याधि ना हो और कभी विकार ना हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमें अंग स्पर्श मंत्र से अंगों को हमने शुद्ध और निरोग बनाने की कामना की।